स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इज रेक्टिफायर तो देखिए बेटा रेक्टिफायर क्लियर है एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर क्लियर है तो जो पीएन जंक्शन डायोड है इसी को हम रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड इज एज अ रेक्टिफायर दो तरीके से यूज किया जाता है पहला है पहला हाफ वेव वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर दूसरा फुल क्लियर बेटा तो सबसे पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन कंप्लीट होगी अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी नोट करना हो बीच बीच में वीडियो को रोकिए और रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर तो देखिए बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है मतलब इसका अगर सबसे पहले हम प्रिंसिपल नोट करेंगे रेक्टिफायर का वो चाहे हाफ वेव हो या फुल हो दोनों का प्रिंसिपल सेम रहता है तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन बिकम्स लो वेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम हाई वेन इट इज रिवर्स बायस देखिए बेटा आपको पता है जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तब उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है बहुत हमने पढ़ा है ना पहले जब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा लो क्लियर और जब इसकी रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा हाई क्लियर है ना रेजिस्टेंस हाई व्हेन रिवर्स बाइस्ट रेजिस्टेंस लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ट तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ द हाफ वेब रेक्टिफायर हाफ वेव हो या फुल वेव दोनों के केस में प्रिंसिपल हैं अब हम समझते हैं सर्किट डायग्राम तो ये देखिए बेटा ये हमारा सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का क्लियर है तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एक्चुअली क्या है जो एसी वोल्टेज सप्लाई की जाती है उसको हम कन्वर्ट करेंगे या वो यूं बोले रेक्टिफाई करेंगे डीसी वोल्टेज में क्लियर है अब कैसे देखिए ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी कोयल है और ये है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल से एसी वोल्टेज आई मतलब यहां से इनपुट सप्लाई करी हमने और तो ये है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी ये primary, ये प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर है तो डायग्राम तो क्लियर है ये हमारा डायोड है पीएन जंक्शन डायोड ये पी साइड और ये एन साइड क्लियर और यहां से हमें एक रेजिस्टेंस आर इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी क्लियर है बेटा तो देखिए जो एसी वोल्टेज हमने अप्लाई की है इनपुट में जो हमने दी है एसी वोल्टेज वो कुछ इस तरीके से है हमारी एसी वोल्टेज ऐसे ही चलती है बेटा टाइम के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है और ये इनपुट वोल्टेज क्लियर है वाई एक्सिस पे वोल्टेज इधर टाइम तो वोल्टेज टाइम के साथ ऐसे वेरी करती है क्लियर है ये है इनपुट अभी आउटपुट में हमें ये मिलेगी कैसे मिलेगी अब वो हम वर्किंग में समझते हैं तो देखिए बेटा वर्किंग में आप सबसे पहले क्या सम... लिखना है आपने कि जब डायोड की मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल थी सपोज कीजिए कि ड्यूरिंग द ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो P1 है वो नेगेटिव है और P2 है वो पॉजिटिव है एज्यूम कर लिया हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान P1 आपकी नेगेटिव थी P2 आपका पॉजिटिव जब P1 नेगेटिव है P2 पॉजिटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव नेगेटिव के पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव के अपोजिट में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 नेगेटिव था P2 पॉजिटिव था तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बाय द म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है अब इसके वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा म्यूचुअल इंडक्शन से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर नेगेटिव तो क्या होगा बेटा जब यहां पॉजिटिव होगा पॉजिटिव पी से जुड़ गया पॉजिटिव है और ये इसकी पी साइड है तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी हमारे डायोड की क्या हो जाएगी बेटा फॉरवर्ड बायसिंग अब फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी तो आउटपुट में हमें करंट मिल जाएगा वोल्टेज मिल जाएगी जैसी वोल्टेज शुरू में आई थी आउटपुट में बिल्कुल वैसी ही वोल्टेज मिलेगी तो ये इनपुट आई ये हमें आउटपुट मिल गई बात समझ में आ गई उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल आई अपनी नेक्स्ट हाफ साइकिल में बेटा क्या हुआ ये पी वन के ऊपर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव चार्ज आ गया और पी टू पर नेगेटिव चार्ज आ गया जब यहां पॉजिटिव होगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा यहां नेगेटिव होगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा क्लियर है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को पी साइड से जुड़ा हुआ है अब नेगेटिव है यहां और यह कौन सी साइड है पी साइड जब नेगेटिव को पी से जोड़ा जाता है तो वो होती है रिवर्स बाइसिंग यानी हमारा डायोड अब की बार रिवर्स बाइस हो चुका है कैसे हो चुका है रिवर्स बायस देखिए दोबारा समझिए सेकेंड हाफ साइकिल है जब ये वाली हाफ साइकिल है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ये पॉजिटिव हो गया जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो मतलब अपना डायोड रिवर्स बायस हो चुका है जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो इसमें से हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा मतलब बहुत ही कम करंट होता है नेगलिजिबल तो आउटपुट में कोई करंट आपको नहीं मिला तो जब डायोड रिवर्स पायस हो गया हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा तो यानी यहां खाली है जीरो करंट कैसा है जीरो बात समझ में आ गई हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता तो इसी तरह से प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है अब दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी यह पॉजिटिव हाफ साइकिल आई हमें आउटपुट में फिर करंट मिलेगा फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आई है और हमें आउटपुट में फिर जीरो करंट मिला कोई करंट नहीं मिला क्यों क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो चुका है पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो चुका था बात समझ में आ गई है ना बेटा तो हमें कुछ इस तरह की आउटपुट मिलेगी ये तो ये बेटा वर्किंग है हाफ वेव रेक्टिफायर लेकिन यहां पर बेटा प्रॉब्लम क्या है आउटपुट हमें कॉन्टिन्यूसली नहीं मिल रही एक बार आउटपुट मिली फिर नहीं मिली फिर मिल गई आउटपुट फिर नहीं मिली तो ये आउटपुट जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है और ये प्योर डीसी नहीं है प्योरली डीसी नहीं है इसमें एसी कंपोनेंट काफी ज्यादा प्रेजेंट है तो इसीलिए बेटा हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बजाय अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर जो इससे अच्छा है ठीक है तो पहले तो आप ये सर्किट डायग्राम और ये बना लीजिए ये इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल इसके नीचे ही बनानी है आउटपुट क्योंकि देखो पता लगना चाहिए ना इसके कोरोस्पॉ ये मिला इसके कोरोस्पॉ हमें कुछ नहीं मिला फिर इसके कोरोस्पॉ हमें फिर आउटपुट मिली फिर इसके क्रोस हमें कुछ भी नहीं मिला क्लियर है तो डायग्राम और उसके बाद आपने ये नोट डाउन करना है ए वोल्टेज ठीक है ये मैं सारा कुछ करवा चुका हूं आपको आप जल्दी से नोट कर लीजिए ठीक है बेटा नोट कर लिया तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके फिर यहां से यहां तक नोट डाउन कीजिए क्लियर है बेटा नोट किया तो चलिए अब इसके बाद आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए यहां तक नोट कीजिए अक्रॉस द लोड तक यहां तक आपने पहले कर लिया था अब आपने यहां तक नोट करना है जल्दी से नोट कीजिए बेटा क्लियर है यहां तक नोट कर लिया आपने तो उसके बाद नेक्स्ट यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट क्लियर है तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए ठीक है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट आपने लिखना है फुल वेव रेक्टिफायर क्लियर है अब देखिए जरा फुल वेव रेक्टिफायर को समझते हैं सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे फुल वेव का क्लियर तो चलिए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर तो ये है बेटा अपना फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्लियर है अब फुल वेव रेक्टिफायर में एक्चुअली क्या है दो डायोड होते हैं पहले केवल एक ही डायोड था अब दो डायोड हैं एक डायोड डी वन और एक डायोड टू यहां से ये कनेक्टेड है और इनके बीच में से और एक यहां एस वन एस टू कोयल के बीच में से एक हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया है इसी के अक्रोस हमें आउटपुट मिलेगी क्या मिलेगी यहां से हमें बेटा आउटपुट क्लियर है अच्छा तो अब इसकी जरा वर्किंग समझ लेते हैं हम कि ये कैसे काम करता है देखिये बेटा जब डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान P1 नेगेटिव होगा और P2 पॉजिटिव तो म्यूचुअल इंडक्शन से S1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और S2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लियर है जब यहां पॉजिटिव चार्ज है और ये पी साइड है पॉजिटिव पी साइड से की तरफ आया तो यानी डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस हो गया डायोड वन कैसा हो गया फॉरवर्ड और जब ये नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव पी की तरफ है इधर पी साइड है और ये नेगेटिव है तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी डायोड डी टू रिवर्स बायस डी वन फॉरवर्ड बायस जब ये रिवर्स बायस होगा तो हमें इसके अक्रोस कुछ नहीं मिलेगा कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस था तो हमें इसके अक्रोस करंट मिलता है जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें यहां से हमारा करंट फ्लो करेगा और यहां से हमें आउटपुट में करंट मिल जाएगा या आउटपुट में वोल्टेज हमें मिल जाएगी बात समझ में आई है यहां से हमारे हमने इनपुट सप्लाई करी नेगेटिव था पी वन तो एस वन पॉजिटिव हो गया P2 पॉजिटिव था तो S2 नेगेटिव हो गया तो जब ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस बायस हो गया डायोड फॉरवर्ड है तो हमें इसी के अक्रॉस वोल्टेज मिलने वाली है लेकिन जब डायोड D2 नेगेटिव था तो D2 क्या हो गया रिवर्स बायस तो इसकी वजह से कुछ नहीं मिलेगा तो केवल डायोड D1 की वजह से हमें वोल्टेज मिली है तो इसीलिए देखिए इसको हम कैसे समझेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो हमें डायोड D1 की वजह से

और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया इस पॉजिटिव की वजह से डायोड D2 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस अब क्योंकि D1 रिवर्स बायस्ड है इसीलिए इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करता लेकिन D2 फॉरवर्ड बायस्ड है अब D2 में से करंट फ्लो करेगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी बात समझ में आई है तो जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आई तो हमें फिर से वोल्टेज मिल गई आउटपुट में अब ये किसकी वजह से मिली है डी टू की वजह से बात समझ में आ गई है अब दोबारा से फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उसकी वजह से हमें फिर आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी फ्रॉम द डायोड डी वन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो डी टू से हमें वोल्टेज मिलेगी क्लियर है एक बार डायोडी वन से मिल रही है एक बार डी टू से फिर डी वन से फिर डी टू से तो इस तरह से हमें यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिल जाएगी यानी कि जो केवल एक ही डायरेक्शन में है तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीसी क्या बोलते हैं इस वोल्टेज को डीसी वोल्टेज या रेक्टिफाइड वोल्टेज क्लियर है बेटा समझ में आया लेकिन अभी भी एक्चुअली में क्या है बेटा एक प्रॉब्लम है ये हमें आउटपुट में मिल गई ये वर्किंग हो गई रेक्टिफायर की कंप्लीट लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिली है इसमें एसी कॉम्पोन ए सी वोल्टेज और वैल्यू काफी चेंज हो रही है टाइम के साथ हालांकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही क्लियर है तो अभी भी इसके अंदर थोड़े बहुत एसी कॉम्पोनेंट भी है और कुछ डीसी कॉम्पोनेट भी है तो हमें तो आउटपुट में केवल क्या चाहिए डीसी वोल्टेज चाहिए एसी कंपोनेंट को खत्म करना है तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए बेटा एक्चुअली में यहां पर क्या है हम अब एक्चुअली जो रेक्टिफायर से हमें आउटपुट वोल्टेज मिली है उसको फिल्टर सर्किट में से गुजारा जाता है किस सर्किट में से गुजारा जाएगा बेटा फिल्टर सर्किट में से अब ये फिल्टर सर्किट क्या है जरा वो भी हम समझ लेते हैं पहले आप एक काम कीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए यहां तक बेटा नोट कर लिया तो चलिए अब इसके बाद आप यहां तक नोट डाउन कीजिए ठीक है बेटा फिल्टर सर्किट तक यहां तक आपने नोट डाउन किया और इसके बाद ये कंप्लीट कर लीजिए यहां से यहां तक कंप्लीट अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि फिल्टर सर्किट कैसे काम करेगा क्लियर है नोट कर लिया बेटा अब उसके बाद आपने ये ये करना है। एक्चुअली पहले यहाँ पर आप समझ लेते हैं ये आप लिखते रहना बीच में वीडियो को पोज करके लिख लेना लेकिन हम अभी समझा देते हैं इनपुट में हमने एसी वोल्टेज दी थी उसको रेक्टिफायर में से गुजारा रेक्टिफायर से हमें आउटपुट वोल्टेज मिली थी अब उस आउटपुट वोल्टेज को क्या किया हमने यहां पर एक ये जो कैपेसिटर लगा दिया अब इस सर्किट को बोलेंगे फिल्टर सर्किट इसको क्या बोला जाता है बेटा इस सर्किट को फिल्टर सर्किट मतलब कि हमने जो एसी में से जो एसी और डीसी मिक्स थी ना अब यहां से जो आउटपुट आई थी उसमें एसी भी थी और डीसी भी थी अब ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा एसी को बाहर निकाल देगा हमें आगे क्या केवल क्या देगा डीसी आउटपुट देगा केवल क्या मिलेगी आउटपुट में हमें डीसी यहां से एसी और डीसी मिक्स आई लेकिन आउटपुट में फिल्टर सर्किट ने क्या किया फ़िल्ट्रेशन कर दिया एसी को तो खुद रख लिया डी हमें दे दी फिल्टर डीसी आउटपुट क्लियर है अब एक्चुअली ये कैसे काम किया इसने देखो ये क्या है कैपेसिटर अब जो कैपेसिटर है वो एसी को तो काफी कम रेजिस्टेंस देता है जबकि डीसी को ज्यादा इन्फ, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट और एसी के लिए इसका रेजिस्टेंस काफी कम है तो इसमें से एसी करंट तो कैपेसिटर में से आसानी से गुजर सकता है लेकिन डीसी करंट इसमें से गुजर नहीं सकता तो सारा का सारा डीसी करंट तो सीधा निकल जाएगा और एसी करंट कैपेसिटर को चार्ज करेगा एसी करंट से कैपेसिटर खुद चार्ज हो जाएगा और जो डीसी कंपोनेंट है वो सीधा निकल जाएगा बात समझ में गई तो फिल्टर्ड डीसी आउटपुट हमें मिल जाएगी हमें कैसी आउटपुट मिलेगी फिल्टर्ड डीसी आउटपुट क्लियर बेटा समझ में आया अच्छा अब देखिए ये है अपनी आउटपुट वोल्टेज ये टाइम के साथ देखिए हमें ऐसी वोल्टेज मिल रही थी रेक्टिफायर से लेकिन जब फिल्टर हमने लगा दिया तो कुछ इस तरह की वोल्टेज मिलेगी हमें अब इसमें वेरिएशंस कम है ना पहले बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रहे थे अब वेरिएशंस कम है ये डार्क लाइन है ना जो ऊपर ऊपर से ये ये हमारी आउटपुट है अब की बात क्लियर है बेटा तो हमें आउटपुट में ये वोल्टेज कैसी मिली है डीसी वोल्टेज मिली है क्लियर है बेटा समझ में आया होगा आपको नोट no डाउन भी कर सकते हैं आप इसको वीडियो को पोज करके अब उसके बाद हम समझेंगे बेटा रिपल फैक्टर क्या होता है रिपल फैक्टर क्या है जो हमें आउटपुट मिली उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी है कुछ डीसी कंपोनेंट भी है तो इनका जो रेशो है इसी को बोलते हैं रिपल फैक्टर अगर रिपल फैक्टर ज्यादा है तो मतलब एसी कंपोनेंट ज्यादा है रिपल फैक्टर कम है तो एसी कंपोनेंट कम है तो ये इक्वल होता है एसी करंट बाय डीसी करंट या फिर एसी वोल्टेज बाय डीसी वोल्टेज ठीक है या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एम एस करंट डिवाइड बाय डीसी करंट इसका स्क्वायर माइनस वन फॉर्मूला याद रखना आपने केवल रिपल फैक्टर जो है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर का वो नियरली 1.21 के आसपास आता है और फुल वेव रेक्टिफायर का आता है 0.48 यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम है तो यानी ये ज्यादा अच्छा है इसमें रिपल फैक्टर ज्यादा था तो ये कम अच्छा था क्योंकि इसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है ना इसमें एसी सी कॉम्पोनेंट कम है फुल वेव में कम है कॉम्पोनेंट ए के और हाफ वेव में ज्यादा एसी है अब है यानी कि कितनी एफिशियंसी है रेक्टिफायर की मतलब वो कितने जो इनपुट एसी से उसने कितना हद किस हद तक उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया है तो आउटपुट डीसी डिवाइड बाय इनपुट एसी डीसी ऊपर एसी नीचे डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी बेटा नियरली फोर्टी पॉइंट सिक्स परसेंट है और फुल वेव की रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है 81.2 परसेंट तो ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ फुल वेव रेक्टिफायर क्लियर है बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव एन नाइस डे